बात करते हैं जंतर मंतर पर पत्नियों से पीड़ित पुरुषों के प्रदर्शन की। सेफ फैमिली संगठन ने पत्नियों के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। सेफ फैमिली फाउंडेशन का दावा है कि देश में हर साल महिलाओं के अत्याचार से पीड़ित होकर 64,000 पुरुष सुसाइड कर लेते हैं और दहेज के नाम पर 2500 से ज्यादा पुरुषों को हर साल जेल जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने चार बार गवर्नमेंट को बताया गया है 498 का जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाइए। गवर्नमेंट आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया। लॉ कमीशन मलिमत कमिटी ने बोला था 498 को बिलेबल करने के लिए 10 साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट को जो प्रपोजल है, जो हमें पता चला, गवर्नमेंट बोलता है मिसयूज कम करने के लिए जो फाइन है उसको 1000 से बढ़ा के 15000 कर देंगे तो मिसयूज खत्म हो जाएगा। हमने तो बोला ये तो बजाक है, आपको मिसयूज खत्म करना है तो जो मिसयूज करते हैं उसको भी 3 साल का सजा होना चाहिए और नहीं तो ये 498 बिल्कुल क्राफ हो जाना चाहिए।